वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली जी। तो वेलकम टू माय YouTube चैनल, और जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे पता चल सके आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। चलें तो बिना देर करते हुए हम रेसिपी की तरफ आते हैं। आज मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी डिश है और बहुत सिंपल है। बस इसको चढ़ाना होता है और जब गोश्त गल जाए तो बस सर्व कर लें आप सिंपल जी। तो ये 1 से 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया है। गोश्त के अंदर आप देख सकते हैं ये मैंने चिकनी बोटियाँ भी ली हैं। ये देखें आप, बल्कि मैं ऐसे दिखाती हूँ, देखिए चिकनी बोटियाँ। इसका एक अपना ही मज़ा होता है, एक अपना ही फ्लेवर होता है इसका। इसका जो रवाज़ होता है उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चलें तो इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे प्याज जी। तो प्याज मैं डाल रही हूँ, और ये मैं फ्राई करके नहीं चढ़ाऊंगी, मैं भगा के नहीं चढ़ाऊंगी, मैं इसको सोन के चढ़ा रही हूँ जी। तो अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें डाल रही हूँ। हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है, ये देखें इस तरह से मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसके अंदर काली मिर्चें नहीं ऐड कर रही। काली मिर्चें मैं सबसे लास्ट में इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि इसके अंदर मिर्चें तो डालते नहीं है, लाल मिर्चें वगैरह। तो बस इसके अंदर मैं हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ जी। तो ये 8 हरी मिर्चें का पेस्ट मैंने डाल दिया है। इसके अलावा हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चमचे हम भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें टमाटर, ये 2 टमाटर ये देख लें मैंने काट लिए हैं, ये 2 टमाटर मैंने डाल दिए हैं इसमें। उसके अलावा मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ, 1/2 कप दही ली है मैंने, ये देखें ज़बरदस्त सी गाढ़ी गाढ़ी सी दही है। ये 1/2 कप दही मैंने शामिल कर दी इसमें, और अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। ये शामिल किया मैंने पानी, नमक इस वक्त नहीं ऐड कर रही मैं इसमें, क्योंकि नमक से गोश्त बहुत देर में गलता है इस वजह से जी। तो अब आप देख लें ये 6 ग्लास पानी है, और ये देखें बस इनको मैंने, अब मैं चूल्हा जला रही हूँ। चूल्हा जला दिया है हमने इसका, और अब ये देखें बस चूल्हा हो गया है इसका स्टार्ट, और अब हम इसको पकाएंगे। ये सब अंदर देखें कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है। थोड़ा और पानी डाल दूंगी ताकि ये बिल्कुल कवर्ड हो जाए। और नमकीन गोश्त आप मटन में भी, बीफ में भी बना सकते हैं, दोनों में ही बना सकते हैं आप, कोई इसका इशू नहीं होता। बस सेम हैगा मेथड, दोनों का मेथड बिल्कुल सेम होता है। बस ये देखें गोश्त जो है वो डिप हो चुका है इसमें, और बस प्याज और टमाटर ही ऊपर नज़र आ रहे हैं। इतना पानी आपने रखना है कि गोश्त नज़र नहीं आए, ताकि हमें बार बार पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। बार बार पानी डालने से गोश्त जो है वो सख्त हो जाता है, और जब एक ही दफ़ा पानी डालो, क्योंकि वो ठंडा गर्म हो जाता है, क्योंकि गर्म करके तो इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है कि गर्म करके पानी डाले। तो बस इसलिए हम ज़्यादा पानी हमने इसमें डाला है, और अब हम इसको कैप करके रख देंगे जी। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, देखें पानी जो है, टमाटरों ने भी पानी छोड़ दिया है, और अब हमें क्या करना है, अब हम इसको मिक्स करके वापस इसका कैप कर देंगे इसको, और अब मीडियम फ्लेम करेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। जी तो अब हम इसका कैप उठा रहे हैं, और देखते हैं कि इसमें गोश्त गल चुका है जी। तो गोश्त गल चुका है, पानी ड्राई हो चुका है हमारा, बस हल्का हल्का सा लुआब रह गया है। अब इसमें हम घी शामिल करेंगे, 1 प्याली के करीब हम घी शामिल करेंगे इसमें, और हमें इसमें नमक शामिल करना है, हसबे ज़ायका नमक शामिल करेंगे हम इसमें, कम ही डालिएगा ताकि बाद में गल सके, अगर कम ज़्यादा हो तो। काली मिर्चें शामिल करेंगे 1 चमचा, नमकीन गोश्त का बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर होता है, और इसके अलावा हरी मिर्चें शामिल करेंगे, बीच में से कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करी, और अब हम इसको
हल्के हाथ से मिला लेंगे ताकि हमारी गोटियाँ नहीं टूटें, उल्टे चमचे की मदद से हम इसे मिलाएंगे इस तरह से। कोई बहुत ज़्यादा ड्राई खाता है, कोई ज़रा सा लुआब पसंद करता है, मैं थोड़ा लुआब वाला रख रही हूँ। देखिए उल्टे चमचे की मदद से हमने इसको मिला लिया है अच्छे से और बस इसको मैं थोड़ी सी देर भून लूँगी और इसको टेस्ट कर लीजिएगा। मेरा नमक बिल्कुल परफेक्ट है और अगर आप लोगों को डालना हो तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और आधा चम्मच काली मिर्चों का और शामिल करूँगी, मिर्चें मुझे थोड़ी सी कम लग रही हैं इसमें, तो बस ये मैंने शामिल की काली मिर्चें पीसी हुई और बस इसको एक दफ़ा और अच्छे से मिला लूँगी। घी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर आ चुका है, रौनक आ गई है सालन में। और आपको पता है जैसे मैंने चिकनी बोटियाँ ली थी तो उससे यही होता है, जो उसका जो अपना फ्लेवर है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका, जो घी होता है उसमें रवाब जिसे कहा जाता है बहुत अच्छा होता है चिकनी बोटियों में। नमकीन गोश्त हमारा तो ये डन है बिल्कुल, बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। बहुत ही मज़े का नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो चुका है, चूल्हा कर दिया मैंने बंद और बस अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। जी तो हम इसका कैप उठा रहे हैं और देखते हैं कि इसमें गोश्त गल चुका है। जी तो गोश्त गल चुका है, पानी ड्राई हो चुका है हमारा, बस हल्का हल्का सा लुआब रह गया है। अब इसमें हम घी शामिल करेंगे, एक प्याली के करीब हम घी शामिल करेंगे इसमें और हमें इसमें नमक शामिल करना है, हसबे ज़ायका नमक शामिल करेंगे हम इसमें, कम ही डालिएगा ताकि बाद में गल सके अगर कम ज़्यादा हो तो। काली मिर्चें शामिल करेंगे एक चमचा, नमकीन गोश्त का बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। और इसके अलावा हरी मिर्चें शामिल करेंगे, बीच में से कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करें और अब हम इसको हल्के हाथ से मिला लेंगे ताकि हमारी गोटियाँ नहीं टूटें, उल्टे चमचे की मदद से हम इसको मिलाएंगे इस तरह से। कोई बहुत ज़्यादा ड्राई खाता है, कोई ज़रा सा लुआब पसंद करता है, मैं थोड़ा लुआब वाला रख रही हूँ। देखिए उल्टे चमचे की मदद से हमने इसको मिला लिया है अच्छे से और बस इसको मैं थोड़ी सी देर भून लूँगी और इसको टेस्ट कर लीजिएगा। मेरा नमक बिल्कुल परफेक्ट है और अगर आप लोगों को डालना हो तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और आधा चम्मच काली मिर्चों का और शामिल करूँगी, मिर्चें मुझे थोड़ी सी कम लग रही हैं इसमें, तो बस ये मैंने शामिल की काली मिर्चें पीसी हुई और बस इसको एक दफ़ा और अच्छे से मिला लूँगी। घी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर आ चुका है, रौनक आ गई है सालन में। और आपको पता है जैसे मैंने चिकनी बोटियाँ ली थी तो उससे यही होता है, जो उसका जो अपना फ्लेवर है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका, जो घी होता है उसमें रवाब जिसे कहा जाता है बहुत अच्छा होता है चिकनी बोटियों में। नमकीन गोश्त हमारा तो ये डन है बिल्कुल, बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। बहुत ही मज़े का नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो चुका है, चूल्हा कर दिया मैंने बंद और बस अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। जी तो हम इसका कैप उठा रहे हैं और देखते हैं कि इसमें गोश्त गल चुका है। जी तो गोश्त गल चुका है, पानी ड्राई हो चुका है हमारा, बस हल्का हल्का सा लुआब रह गया है। अब इसमें हम घी शामिल करेंगे, एक प्याली के करीब हम घी शामिल करेंगे इसमें और हमें इसमें नमक शामिल करना है, हसबे ज़ायका नमक शामिल करेंगे हम इसमें, कम ही डालिएगा ताकि बाद में गल सके अगर कम ज़्यादा हो तो। काली मिर्चें शामिल करेंगे एक चमचा, नमकीन गोश्त का बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। और इसके अलावा
हरी मिर्चें शामिल करेंगे, बीच में से कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करी, और अब हम इसको हल्के हाथ से मिला लेंगे ताकि हमारी बोटियाँ नहीं टूटें। उल्टे चमचे की मदद से हम इसको मिलाएंगे इस तरह से। कोई बहुत ज़्यादा ड्राई खाता है, कोई ज़रा सा लुआब पसंद करता है, मैं थोड़ा लुआब वाला रख रही हूँ। देखिए उल्टे चमचे की मदद से हमने इसको मिला लिया है अच्छे से, और बस इसको मैं थोड़ी सी देर भून लूँगी और इसको टेस्ट कर लीजिएगा। मेरा नमक बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर आप लोगों को डालना हो तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और आधा चम्मच काली मिर्चों का और शामिल करूँगी, क्योंकि मिर्चें मुझे थोड़ी सी कम लग रही हैं इसमें। तो बस ये मैंने शामिल की काली मिर्चें पीसी हुई, और बस इसको एक दफ़ा और अच्छे से मिला लूँगी। घी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर आ चुका है, रौनक आ गई है सालन में। और आपको पता है जैसे मैंने चिकनी बोटियाँ ली थी तो उससे यही होता है, जो उसका जो अपना फ्लेवर है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका, जो घी होता है उसमें, रवाब जिसे कहा जाता है, बहुत अच्छा होता है चिकनी बोटियों में। नमकीन गोश्त हमारा तो ये डन है बिल्कुल। बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। बहुत ही मज़े का नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो चुका है, चूल्हा कर दिया मैंने बंद, और बस अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। जी तो हम इसका कैप उठा रहे हैं और देख रहे हैं कि इसमें गोश्त गल चुका है। जी तो गोश्त गल चुका है, पानी ड्राई हो चुका है हमारा, बस हल्का हल्का सा लुआब रह गया है। अब इसमें हम घी शामिल करेंगे, एक प्याली के करीब हम घी शामिल करेंगे इसमें, और हमें इसमें नमक शामिल करना है, हसबे ज़ायका नमक शामिल करेंगे हम इसमें, कम ही डालिएगा ताकि बाद में गल सके अगर कम ज़्यादा हो तो। काली मिर्चें शामिल करेंगे एक चमचा, नमकीन गोश्त का बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर होता है, और इसके अलावा हरी मिर्चें शामिल करेंगे, बीच में से कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करी, और अब हम इसको हल्के हाथ से मिला लेंगे ताकि हमारी बोटियाँ नहीं टूटें। उल्टे चमचे की मदद से हम इसको मिलाएंगे इस तरह से। कोई बहुत ज़्यादा ड्राई खाता है, कोई ज़रा सा लुआब पसंद करता है, मैं थोड़ा लुआब वाला रख रही हूँ। देखिए उल्टे चमचे की मदद से हमने इसको मिला लिया है अच्छे से, और बस इसको मैं थोड़ी सी देर भून लूँगी और इसको टेस्ट कर लीजिएगा। मेरा नमक बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर आप लोगों को डालना हो तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और आधा चम्मच काली मिर्चों का और शामिल करूँगी, क्योंकि मिर्चें मुझे थोड़ी सी कम लग रही हैं इसमें। तो बस ये मैंने शामिल की काली मिर्चें पीसी हुई, और बस इसको एक दफ़ा और अच्छे से मिला लूँगी। घी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर आ चुका है, रौनक आ गई है सालन में। और आपको पता है जैसे मैंने चिकनी बोटियाँ ली थी तो उससे यही होता है, जो उसका जो अपना फ्लेवर है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका, जो घी होता है उसमें, रवाब जिसे कहा जाता है, बहुत अच्छा होता है चिकनी बोटियों में। नमकीन गोश्त हमारा तो ये डन है बिल्कुल। बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। बहुत ही मज़े का नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो चुका है, चूल्हा कर दिया मैंने बंद, और बस अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। जी तो आप देख रहे हैं हमारा नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।